राजनीति बड़ा उठा पटक चल रहा है। धनंजय सिंह कृपा सर यहाँ पर देख सकते हैं बदलापुर विधानसभा क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं और यहाँ पर चाय की दुकान में तमाम क्षेत्रवासी जो है मौजूद हैं और शाम को बाजार में यहाँ पर सब क्षेत्रवासी अपने घरों के आवश्यक सामानों के लिए या किसी कार्य के लिए जुटते हुए हैं और यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है हम सबसे थोड़ा जानना चाहते हैं, तो लगातार आप इस वीडियो में बने रहें। यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है इसके बारे में हम आपको विस्तार से दिखाने की कोशिश करेंगे। चाचा ये बताइए, इस समय जो है लोकसभा चुनाव का माहौल बहुत तगड़ा चल रहा है, तो जौनपुर जिले में इसका जो है कुछ अलग ही इस समय रूप देखने को मिल रहा है। तो इस समय हम लोग जौनपुर जनपद के बदलापुर क्षेत्र के में मतलब मौजूद हैं और यहाँ पर चुनावी राजनीति को लेकर क्या माहौल चल रहा है इसके विषय में दो शब्द बताएं। अभी भैया प्रत्याशी आ जाए, इस दल से कौन प्रत्याशी है, जाति समीकरण और सारे समीकरण बैठ जाएंगे, चुनाव वहाँ सब नाम 24 चुनाव होगा। लेकिन जब प्रत्याशी कैंडिडेट सब आ जाएंगे तब जनता आकलन करेगी किसका पलड़ा भारी है किसका आलम है। अभी जौनपुर राजनीति बड़ा उठा पटक चल रहा है, क्योंकि धनंजय सिंह कुछ धन्यवाद ये कृपा संकल्प ऐसा लोग कहते हैं भाई, अभी उनके लोग कहते हैं अब समीकरण बदलेगा, धनंजय चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो समीकरण बिगड़ेगा सबका, अब आया राम गया राम किसी दल से आएंगे चुनाव नहीं जीतेंगे, जनता जान गई आया राम गया राम माने धनंजय सिंह को लेकर क्या माहौल चल रहा है, धनंजय सिंह को लेकर क्या माहौल चल रहा है? कुछ दिन पहले अखिलेश यादव के साथ एक उनकी वीडियो वायरल हुई थी जिसके दो दिन बाद उनको कोर्ट ने सजा दे दी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, अखिलेश भाई बात मिले अखिलेश के यहाँ नेता जी जब इस बार के वहाँ जानकारी गए थे तो मिलते जुलते रहते, मिलने थोड़ी हो गया होगा, अब आजकल चाहे जो लगा ले चाहे जीते। भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, कृपा सिंह के बारे में जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी स्तर तक जा सकती भाई, वो सरकार गिरा रही है, सरकार बना नहीं रही, सरकार गिरा तो उसमें शामिल हो रही है, इसलिए वो अधिकारी वहाँ के हमारे फेवर में काम करें और उसका फंडा है सीधा, वो कह रहा है 400 प्रधानमंत्री, इसका मतलब है ईवीएम बदली जाएगी सरकार रहेगी तब, जहाँ सरकार नहीं रहेगी वहाँ कहाँ बदल जाएगी, ईवीएम बदलने के लिए है सर, इसीलिए सरकार बना नहीं रहे, सरकार बनवा रहे हैं अधिकारी। धनंजय सिंह इस समय जेल में है, बताया जा रहा है कि उनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में आ सकती हैं, तो क्या आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, जनता को में इंतजार नहीं करती, धनंजय सिंह लड़ेगी चुनाव तो उनके कहानी खत्म होगी, चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या धनंजय सिंह जितना प्रभाव क्या वो डाल सकती है जनता के ऊपर? चुनाव जीत हार तो किसी गारंटी है नहीं, लेकिन हमारा कर्म जो कर रहे हैं हम राजनीति में चर्चा में रहेंगे तो राजनीति रहेगी, अब आप बैठ जाएंगे तो कोई राजनीति चर्चा नहीं करे तो क्या मतलब राजनीति, धनंजय सिंह को लड़ना चाहिए, जीत हार अपनी जगह, अध्यक्ष तो है। अभी बीजेपी ने भाजपा प्रत्याशी के तौर पर कृपा शंकर सिंह को उतारा है, तो क्या अभी मतलब चुनाव से पहले ही ये इस क्षेत्र में कभी भ्रमण किए आप कभी? हमने तो नहीं देखा कभी, हम नहीं देखे था कैसे झूठ बोले, कृपा शंकर सिंह का क्या माहौल रहेगा भाई? अब कृपा शंकर माहौल बीजेपी कोर्ट वाले जाने, बीजेपी वाले जाने, हम तो नहीं जानते कौन माहौल में, अब समय आएगा कैंडिडेट प्रत्याशी कौन कौन किस पार्टी जा रहा है तब उसमें देखिए भाई, कैंडिडेट जिताऊ होता है पार्टी सबके पास हो बरोबर, उसका बढ़िया कैंडिडेट रहेगा वो जीत जाएगा। मौजूदा सरकार एक नारा लगाती है कि सबका साथ सबका विकास, क्या सबका साथ सबका विकास हो रहा है? बिल्कुल हुआ है, सबका साथ हमारा विकास हुआ है, विकास होगा विकास बिल्कुल हुआ, भ्रष्टाचार विकास हुआ, महंगाई विकास हुआ, बेरोजगारी विकास हुआ, नहीं हुआ, हुआ विकास।